नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संभोग में असफलता। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संभोग में असफलता क्या है। हम जब संभोग करने चलते हैं तो किसी भी दोनों में से स्त्री या पुरुष का संतुष्ट न होना ही संभोग में असफलता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हम सही ढंग से फोर प्ले ना करें, या हम बहुत डरे हुए हों माइंड से कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सेक्स के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये, आप रिलैक्स हों, आप शांत चित हों, आप प्रेम पूर्ण भरे भाव और मन से प्यार से उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। आपको अपने पार्टनर को समझना होता है बेहतरीन ढंग से। आप अगर अंजाम देंगे सेक्स को, फिर आपको ये शिकायत नहीं मिलने की है। हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि सेक्स में असफल क्यों होते हैं लोग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोजीशंस का नॉलेज नहीं होता है कि हम किस पोजीशन में जा करके सेक्स करें या संभोग करें। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, वो बहुत ही पहले से माइंड में डरे होते हैं कि मेरा सिस्टम छोटा है या मेरा लिंग छोटा है, मैं कैसे सेक्स कर पाऊँगा। इससे भी ये दिक्कत आती है। आपको इन सब चीज़ से दूर हो जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑलवेज बिलीव कीजिए खुद पर कि आप बेस्ट हैं सेक्स करने के लिए, आप बेस्ट हैं संभोग करने के लिए। बस आपको सेल्फ बिलीव जो है वही आपको इसमें बेस्ट बना सकता है। हाँ, इसके लिए पोजीशंस आपको जानना होता है कि इसकी पोजीशंस पोस्चर क्या होते हैं। उसके लिए आप पिक्स का सहारा ले सकते हैं, आपको नहीं पता है तो। और इसके लिए आपको पोजीशंस देखना ज़रूरी होता है। और फोर प्ले सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो फोर प्ले। और कुछ लोग असफल सेक्स करने के बाद भी हो जाते हैं, चरम तक तो ले जाते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन चरम पर ले जाने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, उनका काम ख़त्म होता है। खास करके पुरुष, वो अपना मुंह फेर लेते हैं। दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर जो होता है वो सहानुभूति ढूंढता है। उसके बाद भी आप सेक्स कर लिए, फिर भी उनके साथ प्यार जताइए। एक माथे पर प्यारा सा किस कीजिए, उनके हाथों का चुंबन कीजिए, उनके गले पर चुंबन कीजिए, ये उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। सेक्स एक के ये पार्ट है, उसको उद्वेलित करने के लिए, रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उसमें ठंडापन ना आए, इसके लिए ये ज़रूरी होता है। अगर हम सही ढंग से करें तो सेक्स में असफल कभी नहीं हो सकते हैं। हमें सबसे पहले क्रम से करना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले अपने पार्टनर से मीठी बात करें या कोई प्यारा सा गिफ्ट ला करके दें। इसके बाद जब वो इम्प्रेस्ड हो जाए, आपसे बातें करने लगे हंस के, तो मजाक क्या मूड में हो जाए, कुछ मजाक करें, कुछ बेहतरीन मजाक करें। इसके बाद उनसे कुछ एक हंसी मजाक कर लें। इसके बाद उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर के चुंबन करें, माथे पर किस करें, धीरे धीरे लिप्स को किस करें, उनकी बॉडी को सहलाएं। इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएं। इससे क्या होता है, आपके पार्टनर में ऊर्जा स्रावित होती रहती है, जिसकी वजह से वो आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। पूर्ण जोश से भरी हुई, वो जोश से भर करके आपका संपूर्ण साथ देते हैं, जिससे आप दोनों पूर्ण लाभ उठा पाते हैं सेक्स का। तो इससे आप में ठंडापन नहीं आएगा, असंतुष्टि नहीं होगी, दोनों संतुष्ट होंगे। जितना बेहतर आप फोर प्ले करते हैं, आपका पार्टनर उतना ही बेहतर ढंग से फील कर पाता है सेक्स को। और हाँ, खासा ख्याल रखें कि आप संभोग करने के बाद मुंह फेर करके न सोएं, क्योंकि औरतों को ये बात कभी भी पसंद नहीं होती है। आप सेक्स करने के बाद वो चाहती हैं कि उसके बाद आप उनसे सहानुभूति जताएं, उनकी बॉडी से। खास करके बहुत सारी औरतों को पसंद होता है कि आप उनकी बॉडी से चिपके रहें, दूर न हट जाएं। पुरुषों को आदत होती है सेक्स किया इसके बाद वो मुंह फेर करके सो जाते हैं, बिल्कुल ना करें। अपने पार्टनर से पूछें उनको क्या चाहिए होता है, इस बात का उस टाइम ख्याल रखें। आप चरम पर जाकर के संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन औरतें जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको उसके बाद भी सहानुभूति और प्रेम की ज़रूरत होती है। इसका ख्याल रखें, जब आपका पार्टनर संतुष्ट हो जाए तब उन्हें आराम से सोने दें। इससे क्या होगा, आप सेक्स में कभी भी असफल नहीं होंगे। अगर बेहतर फोर प्ले आप करते हैं, पोजीशंस बेहतर अपनाते हैं, आप सेक्स में कभी भी असफल नहीं होंगे। हाँ, आपके बॉडी का हृष्ट पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप खान पान का खासा ख्याल रखें, बेहतरीन डाइट लें, बेहतरीन नींद लें, और अच्छे मतलब बेहतर सेक्स का आनंद उठाएं। धन्यवाद।